संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, तो किस तरह से वहां पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इस बंद के समर्थन में है, तो अब किस तरह का असर देखा जा रहा है रायपुर में? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बंद का असर जो है वो दिखने लगा है। भारत बंद का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में भी सुबह से दिखने लगा है। विधायक विकास उपाध्याय सुबह 6:30 बजे से उतरे हैं और जो तमाम व्यापारी हैं उनसे अपने दुकानों को बंद करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बंद का जो आह्वान किया है किसानों ने, उसका समर्थन यहाँ पर हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है, आपने खुद ही देखा होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही किसानों के समर्थन शुरू से ही करते आ रहे हैं। जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने शपथ लेने के पहले ही किसानों का कर्जा कर दिया था। तो तमाम ये बातें हैं वो मुख्यमंत्री हमेशा से करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा से ही किसान हितैषी रहे हैं। 2500 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य पर उनकी धान खरीदी होती है। तो तमाम बातें हैं, मुख्यमंत्री हमेशा ही किसानों का समर्थन करते रहते हैं। और आज मैं आपको शहर का नजारा भी दिखाना चाहूंगी। सर, शहर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ काफी कम नजर आ रही है लोगों की। और दुकानों की बात की जाए तो दुकान भी बंद है, जो अब तक खुल जाया करते हैं वो दुकान अभी बंद है। तो यहाँ पर भी नजारा देखने को मिल रहा है कि भारत बंद जैसी स्थिति यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है। और इसके साथ ही यदि कोई विरोध करता है भारत बंद को लेकर, ऐसा भी होता है कि कोई पार्टी है जो असामाजिक तत्व है वो दुकान को बंद करवाने पर अड़े रहते हैं, कोई जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाते हैं, तो वहीं कोई तोड़फोड़ भी करते हैं। तो इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है कि इसके लिए किसी तरह की जो अव्यवस्था है वो शहर में ना बने। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान जो है वो काफी व्यापारियों ने इसका समर्थन भी दिया है, कुछ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इसका समर्थन दिया है। उसके बाद व्यापारियों की बात करें तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसका समर्थन दिया है। तमाम व्यापारी हैं, विपक्षी नेता है, वो इस भारत बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में अभी से दुकानें जो है वो बंद है और आवश्यक जो सेवाएं हैं जैसे कि हॉस्पिटल है या कोई भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बंद नहीं होंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। व्यापारियों से अपील की जा रही है कि आप भी इसमें सहयोग दें, यदि कोई व्यापारी सहयोग नहीं देता है तो भी उसे जबरदस्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि पुलिस ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यापारी से दुकान बंद करने को लेकर किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जो व्यापारी चाहेगा वो स्वेच्छा से अपने दुकान को बंद कर दिया कर सकता है। हमारे साथ में भोपाल का एक बार फिर से रुख करूंगी। अतुल, अगर बात करें हम इस किसान आंदोलन को लेकर, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर अब बगावत के सुर उठने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कल कृषि मंत्री का बयान सामने आता है कि हम जो कानून है उसको वापस नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव भी हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो राजनीति है वो किसानों पर ही होती है, तो आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए कोई बड़ी चुनौती बन सकता है ये मुद्दा? जो मुद्दा है ये बड़ी चुनौती नहीं बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें 2018 के अगर हम चुनाव देखते हैं तो किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। उसके बाद उपचुनाव देखें तो उपचुनाव में भी लगातार किसान के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमता हुआ नजर आया। अब जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं मनदीप, वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि वार्ड स्तर पे जब आपको ताकत बढ़ानी होती है तो वहां के पार्षद स्तर पे जो चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में आप किसान जो मुद्दा बना हुआ है, अगर इसको जल्द से जल्द रोका नहीं गया या किसानों की बात नहीं मानी गई या ये कह सकते हैं कि सरकार और किसान के बीच में समझौता नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में वाकई है कि ये बड़ा मुद्दा बन के मध्य प्रदेश के अंदर शायद पूरे देश के अंदर दिखेगा। हालांकि अमन जी, सबसे महत्वपूर्ण ये देख सकते हैं कि 5 बार की जो बैठक हो चुकी है केंद्र सरकार से किसानों की, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल साबित नहीं हुई, क्योंकि किसानों का मानना है कि हमें जो भी आप आश्वासन दे रहे हैं वो लिखित तौर पे दें। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखें किसानों का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो MSP को लेके है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर न्यूनतम दर अगर खत्म होती है तो हमारे पास किसानों के लिए काफी बड़ा घाटा साबित हो सकता है। साथ ही अगर हम देखें कि दूसरा जो विषय रहा है कि जिस तरीके से गेहूं को जरूरी सेवा में शामिल किया गया है और इसके स्टॉक को लेके एक नियम कायदे कानून थे कि कोई भी व्यक्ति अगर गेहूं खरीदता है तो एक लिमिट तरीके में एक लिमिट स्टॉक के साथ उसको रख सकता है, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं
किसानों का ये मानना है कि अगर ये नियम हटाया है और अब जो है खरीदारी की कोई लिमिट नहीं है तो कहीं ना कहीं काला बाजारी को लेके ये काफी आगे बढ़ सकता है और काला बाजारी की स्थिति बन जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल दोनों ही मुद्दे जो है काफी महत्वपूर्ण है, एमएसपी और गेहूं खरीदी की जो लिमिट खत्म की गई है, तो दोनों ही मुद्दे को लेकर किसान इस समय कहना है कि अगर ये चीजें वापस नहीं होती हैं तो हम किसी भी कीमत के ऊपर अपना आंदोलन नहीं रोकेंगे। हालांकि जो अन्य किसान के जो मुद्दे हैं, किसान जो यूनियन है, उनका चीफ तौर पर कहना है कि तीनों ही जो कानून लाए गए हैं, तीनों नए कानून जो लाए गए उन्हें वापस लिया जाए। हालांकि पूरी तरीके से अगर आप मध्यप्रदेश की स्थिति देखें और मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र हम देखें तो किसानों के ऊपर, किसानों जो वोटर है, ये कहीं ना कहीं जीत की तरफ जो है सत्ता को ले आने के लिए सक्षम रहता है। तो ऐसे में अगर किसान नहीं मानते हैं, किसान के साथ जो है समझौता सरकार का नहीं होता या बीच का कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो आगामी जो नगर निकाय चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि लेकिन हमने असल देखना ये होगा कि अब राज्य सरकार किस तरह से किसानों को समझाती है और मनाती है। सुप्रिया, आपके पास में आऊंगी, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर काफी अलर्ट रखा गया है, तो किस तरह के इंतजाम देखे जा रहे हैं, क्या पुलिस बल तैनात हो चुका है सुबह से ही? निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल शाम से ही अलर्ट पे जो है प्रदेश को कर दिया गया था, और साथ में राजधानी भोपाल में भी जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि परसों आंदोलन हुआ और उसके बाद कल नीलम पार्क में दिनभर किसान का बैठक रहा। अतुल, आऊंगे आपके पास में। सुप्रिया से पहले जान लेते हैं कि पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है छत्तीसगढ़ में। पुलिस प्रशासन की जाए तो पुलिस प्रशासन सुबह से ही तैनात है, और इसके साथ ही सुबह 10 बजे तक की छत्तीसगढ़ जो है वो बंद हो जाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जो व्यापारी हैं वो सुबह 10 बजे तक अपने पूरे व्यापार जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, अर्थात 10 बजे के बाद से पूरे जो रोड है वो सूनी हो जाएगी। इसके लिए पुलिस बल अतिरिक्त तैनात किए गए हैं, क्योंकि अगर कोई छत्तीसगढ़ अगर बंद होता है तो कोई भी बेवजह ना घूमे उस पर भी जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार से जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाया जाए इसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का समर्थन देने की बात कही है, तो ये भी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि किसान वैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खुश नजर आ रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनके जो है भारत बंद का समर्थन भी किया है और छत्तीसगढ़ के किसान वैसे ही खुशहाल नजर आ रहे हैं, तो ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। और इसके साथ ही बंद की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सुबह 10 बजे तक के दुकानों को सुबह 10 बजे तक की ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक ही खुलेंगे, उसके बाद किसी भी दुकान को खोलते हुए हम नहीं देख पाएंगे। और इसके साथ यदि कोई व्यापारी अपने दुकान को दिन भर भी खोलना चाहे तो वो खोल सकता है, किसी भी व्यापारी से एकदम जबरदस्ती जो है वो नहीं की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी व्यापारी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो भारत बंद में अपना समर्थन करे, जो व्यापारी चाहेगा वो ही समर्थन करेगा और जो नहीं चाहेगा वो अपने दुकानों को खोल सकता है। तो यहाँ पर इस हद तक छूट भी दी गई है। उसके साथ ही यहाँ पर सड़कों पर दिखाना सड़कें जो है वो अभी से सूनी हो गई है, क्योंकि काफी लोग है जो खुद से ही समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही अपने दुकानों को बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो नजारा है वो छत्तीसगढ़ का आपने देखा अभी कि यहाँ पर जो रोड है वो काफी सूनी नजर आ रही है, यहाँ पर एक दो व्यक्ति ही यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं। पर शुक्रिया, हमने शुरुआत में देखा था कि छत्तीसगढ़ सरकार तो खुलकर इसका विरोध कर रही थी, पर वहाँ की जनता में इतना विरोध खासा देखा नहीं जा रहा था, पर आप जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी दिन पे दिन जो विरोध है वो अब बढ़ने लगा है किसान कृषि कानून को लेकर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में विरोध अभी इसलिए नहीं देखा जा रहा था क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया अभी जारी है, और इसके साथ यदि किसान विरोध करते हैं तो वो धान खरीदी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके बीच में विरोध नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अगर किसान संगठनों की बात की जाए तो किसान संगठन लगातार आंदोलनरत है, और वो हमेशा से ही केंद्र सरकार से मांग करते आए हैं कि कृषि कानून को वापस ली जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे ही कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष पार्टी के तौर पर एक कांग्रेस पार्टी उभरी है, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा से ही कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आए हैं। इन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था, तमाम जो रैलियां हैं प्रदर्शन है वो भी किए गए थे, और उसके बाद ये मुद्दा है वो शांत हो गया था, क्योंकि धान खरीदी की प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत करनी थी और किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 1 दिसंबर से हो चुकी है, अब भी धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये मुद्दा थोड़ा सा शांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जब भारत में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका समर्थन किया है और तमाम कांग्रेस पार्टियां भी इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। विकास उपाध्याय जो है वो सुबह से सड़कों पर उतरे
थे और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी सड़कों पर उतरेंगे। विधायक सुप्रिया कृषि कानून को लेकर काफी समय पहले से ही छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। और अतुल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि नाकेबंदी किस तरह से राजधानी भोपाल में देखी जा रही है, और दूसरी तरफ जो हमने सुबह खबर आई थी कि जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उस पर काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि बाहर के राज्य भी भोपाल आ सकते हैं, तो वहां पर किस तरह की नाकेबंदी देखी जा रही है? बहुत संक्षिप्त में चाहूंगी आप इसका जवाब दें। देखिए बिल्कुल अमनदीप, जिस तरीके से नाके की आप जो बात कर रही हैं या सीमाओं की जिस तरीके से बात करेंगे, सीमाओं पे काफी चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसान अगर नाकाबंदी करेंगे और जाम की स्थिति बनेगी तो वो सीमाओं पे ही करेगी, यानी बॉर्डर्स पे ही ये गाड़ियों का आना जाना रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी मुस्तैदी बनी हुई है क्योंकि चक्का जाम को रोकना और साथ में राहगीरों को, यानी दूसरे जिले से अगर कोई व्यक्ति भोपाल के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उनकी सुरक्षा, ये तमाम दोनों जो है चुनौतियां हैं पुलिस विभाग के सामने। हालांकि पूरी तरह से मुस्तैदी और कहीं ना कहीं किसान की तरफ से भी ये बात जरूर निकल के आई, किसान यूनियन की तरफ से, कि आम नागरिकों को इससे लेके कोई परेशानी नहीं होनी जाएगी, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है, वो किसान के साथ साथ सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए है। और इसलिए हमारे साथ अपील उन्होंने करी कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि आंदोलन की स्थिति जरूर बन रही है और चक्का जाम की स्थिति भी हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद बने, लेकिन किसान भी अवेयरनेस के तहत ये पूरा आंदोलन कर रहा है, वहीं पुलिस विभाग की तरफ से ही पूरी तरीके से मुस्तैदी बना दी। वाकई में अतुल, दोनों तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अतुल बहुत शुक्रिया आपका। और रायपुर से संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो बुलेटिन